सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मनु है, मैं बैंक ऑफ इंडिया से फ्लैट परचेस करने के लिए 22,40,000 लोन ली। तो उसके बाद में मैं जो है ऑलरेडी 5 लाख तक पे करी। करने के बाद में टोटली फिर मेरे को एक दो दिन के एक 4-5 महीने के बाद में जो है फिर मेरे को मैडम आप अच्छा पे कर रहे हैं, एक मुद्रा लोन का ऑफ़र है आपको, आप लीजिए, बुला रही। तो मैं बोली आप कितना देंगे मैडम मेरे को, बोले तो 10 लाख तक आता मैक्सिमम, तो ठीक है दीजिए बोली। उसके बाद में जो है अब हाउसिंग लोन लेके 5 महीने हो गया, सेपरेट है मैटर, फिर मुद्रा लोन सेपरेट है, उसके लिए मुद्रा लोन को श्योरिटी नहीं रहती। तो मैं बोली मैडम देखिए मुद्रा लोन के लिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, हाउसिंग के लिए आप तो ये पेपर्स रख लिए। तो नहीं मैडम उसकी ज़रूरत नहीं है, आप जो है मुद्रा लोन विदाउट श्योरिटी है। तो ठीक है तो कितना आएगा, बोले तो 10 लाख तक मैक्सिमम। वो मैं क्या करी अच्छी बात है बोल के उसमें भी पेमेंट बनना चालू कर दी, तो टोटल 3,30,000 तक बन दी मैं मुद्रा लोन में भी, और हाउसिंग लोन में 5 लाख तक बन दी, 22,40,000 में 5 लाख तक मैं पे करी। तो अब दोनों का मिला के मेरे को मैं जब मैं स्टेटमेंट मांग रही हूँ लोगों से, तो फिर 22,40,000 की जगह 26,60,000 कुछ अमाउंट ड्यू बता रहा। तो बोली मैं 5 लाख तक पे करी ना मैडम हाउसिंग लोन में, तो इसका अमाउंट कहाँ है? वो तो नहीं मैडम वो नील है, वो पूरा इंटरेस्ट जा रहा, और जो है मैं हूँ मुद्रा लोन में भी अगर मैं 10 लाख भी उसमें 3,30,000 बोली उसका पेमेंट कहाँ है मैडम? वो तो नहीं मैडम वो भी इंटरेस्ट जा रहा। तो टोटल खाली इंटरेस्ट में जाएगा, और प्रॉपर्टी को देख के लोग जो है मेरे को हरासमेंट करके प्रॉपर्टी सीज करते वो करते बोल के ऐसे फ़ोन आ रहे हैं धमकियों के। तो ये क्या है मैडम, ये बैंक के रूल्स आखिर है क्या बैंक ऑफ इंडिया मलकपेट ब्रांच के? तो मैं जो है एच आर सी ह्यूमन राइट्स को आई थी कि भाई वो लोग मेरे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स देखिए और पूरा स्टेटमेंट देख के मेरे जो भी है मेरे पे इंसाफ करिए। वुमेन राइट्स HRC से आके जो है मैं एक पिटीशन डाली भी हूँ, और मैं उम्मीद कर दूँ कि यहाँ पे जो भी है मेरे को जो है इंसाफ मिले।